नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हरियाणा के जुलाना विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये जो क्षेत्र है अपने आप में वीआईपी क्षेत्र हो गया है, क्योंकि विनेश फोगाट जो कि पहलवान है वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस के टिकट पर। बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। INLD और BSP का जो गठबंधन है वो भी यहाँ पूरा दमखम लगा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो जींद का जो हम जाते हैं उसके बाद जब हम जुलाना में घुसते हैं तो जुलाना का जो रोड आप देख रहे हैं काफ़ी टूटा फूटा रोड है। रोड की जो हालत है यहाँ पर वाकई में काफ़ी ख़राब है। लगता है कि जो अभी निवर्तमान विधायक हैं उन्होंने काफ़ी कुछ काम नहीं किया यहाँ पर। और इस रोड की खास बात यह है कि आपको एक ही लाइन से चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, INLD और BSP का गठबंधन हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी उम्मीदवारों के जो चुनाव कार्यालय हैं वो इसी रोड पर हैं। तो जुलाना में जैसे ही आप घुसते हैं आपको यहाँ पर दिख जाता है कि यहाँ पर जो प्रचार है, यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो अलग है, सबसे जुदा है। जितने भी हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें आप जाएंगे तो कहीं किसी पार्टी के उम्मीदवार का कार्यालय, कहीं किसी पार्टी के, लेकिन यहाँ पर एक ही लाइन से लगभग सभी जो पार्टियों के उम्मीदवार हों चाहे निर्दलीय हों सबके चुनाव कार्यालय हैं। हमने सबसे बात की, सबके जो कार्यकर्ता हैं उनका मन टटोला, लोगों से बातचीत की और उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाई है। आइए इस रिपोर्ट पर देखते हैं, जुलाना के जो सियासी समीकरण है उसको समझते हैं। रोहतक के रास्ते जींद में घुसते ही चुनावी रंग का पता चलने लगा। जुलाना विधानसभा क्षेत्र में पहुंचते ही पता चलने लगा कि यहां का चुनाव प्रचार अपने चरम पर क्यों है। सड़कों पर नारों का शोर मचाती गाड़ियां, एक ही लाइन में सजे पार्टियों के चुनावी दफ्तर, वहां मौजूद समर्थकों की भीड़ और कैंडिडेट्स के कटआउट्स वाले फोटो। लेकिन इस सब के बीच चुनावी चर्चाओं के तार रेसलर विनेश फोगाट से भी जुड़ते दिखे। अब तक पहलवानी के अखाड़े में लड़ने वाली विनेश को इस चुनावी दंगल में भी कई खिलाड़ियों से टक्कर मिल रही है। हम आपको बता दें कि विनेश की इस चुनाव में जीत कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन जुलाना सीट का मुकाबला आसान नहीं है। INLD BSP से सुरेंद्र लाठर, BJP से कैप्टन योगेश वैरागी, JJP और आसपा गठबंधन से मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा और आम आदमी पार्टी की कविता दलाल जैसे कद्दावर उम्मीदवार उनके सामने हैं। कविता दलाल भी WWE की प्रोफेशनल रेसलर हैं और उन्हें लेडी खली के नाम से भी जाना जाता है। जींद के बाजारों में, लोक चौपालों में इस समय चुनावी दंगल की चर्चा ही कर रहे हैं। ऐसे ही एक चौपाल पर जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों ने कहा कि विनेश मीडिया की वजह से पॉपुलर हैं लेकिन हवा उनके पक्ष में नहीं है। उनके पास ही बैठे बुजुर्ग ने कहा, INLD वाले जाट उम्मीदवार सुरेंद्र लाठर ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। कई अन्य लोगों ने भी सुरेंद्र लाठर के पक्ष में बातें कहीं। विनेश फोगाट का जो मुकाबला है वो BJP की बजाय सुरेंद्र लाठर से ज़्यादा माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि जुलाना के 70% वोटर जाट हैं। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि वह जाट वोट बैंक यदि बटा तो विनेश फोगाट को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि विनेश की शादी जुलाना के बख्ताखेड़ा गाँव में हुई है। उनके यहाँ से खड़े होने के बाद महिलाओं के मुद्दे पर जागरूकता देखने को मिल रही है। हरियाणा में महिलाएं आम तौर पर राजनीति में दिलचस्पी कम लेती हैं, लेकिन इस चुनाव में खुलकर बात कर रही हैं। जुलाना में हमने जो देखा वो यह था कि कांग्रेस विनेश के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जाट बहुल इस सीट पर उसके लिए ज़्यादा राह आसान नहीं है। हम आपको बता दें कि अब तक हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र 3 बार ही यहाँ से विजयी हो पाई है। रोहतक, झज्जर, बेल्ट के इतर परंपरागत तौर पर इस इलाके में INLD और JJP जैसी पार्टियों का काफ़ी असर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यहां पर ज़्यादा संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के बाद यहां पर कांग्रेस के पक्ष में और माहौल बनने की संभावना है। एक चीज़ और है कि ऐसे में कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर जो है उसको लेकर काफ़ी आशावान है कि यदि BJP के खिलाफ वोट पड़ता है तो उसका फ़ायदा उसको मिल सकता है। लेकिन सारा जो समीकरण है वो जाट वोटरों पर निर्भर करता है। जाट वोटर ये कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस उम्मीदवार हो चाहे BJP उम्मीदवार हो, दोनों ही स्थानीय नहीं हैं। विनेश फोगाट दिल्ली में रहती हैं और जो BJP उम्मीदवार हैं वो भी पड़ोस के क्षेत्र से लाए गए हैं। ऐसे में जो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर हैं जो कि स्थानीय भी हैं, जिन्होंने समाज सेवा के कई कार्य इस क्षेत्र में किए हैं, वो प्रभावी एक विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।